क्या हाल चाल, क्या हाल भाई? वाह भाई, माँ कसम मजा आ गया तेरी, कसम कितने दिनों बाद यार। राम राम जी, आज है 24 दिसंबर 2023 और अपने 2023 की आखिरी राइड शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हम पहाड़ों पर जा रहे हैं और ये मेरी ग्रुप राइड होने वाली है और वहाँ से फिर मैं शायद आगे सोलो निकल जाऊंगा, वो आगे का प्लान है। अभी आज के पहले दिन हम जाएंगे मंडी, जी हाँ मनाली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मनाली नहीं जा रहे, कोई ट्रैक करेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रैक है, मैंने आज तक पहले कभी भी नहीं किया वो ट्रैक, तो छोटा सा ट्रैक है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ग्रुप में राइड होगी, मजा आने वाला है। ये अपना सारा सामान पैक कर लिया है, तो जल्दी से बाइक पे चलते हैं और इनको मुरथल मिलते हैं। मुरथल मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है, तो जिसमें लगभग 1 घंटा लगेगा, KMP से चलते हैं तो डायरेक्ट आपको मुरथल मिलते हैं। लो जी, बाइक राइड शुरू कर दी है और आप देख सकते हो कि यात्रा की शुरुआत कैसे मौसम से हुई है। बिल्कुल फोगी मौसम, बिल्कुल फोगी, कुछ भी नहीं दिख रहा है, 50 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैं KMP से भी नहीं गया, क्योंकि KMP पे इस टाइम पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं और बाइक अलाउड है नहीं, तो क्यों इसके लिए, इसलिए मैं अपने मेन रोड से ही जा रहा हूँ। सहारा पुराना जल गया भाई, कभी उस तरफ का व्यू देखो कितना शानदार है। लो भाई, फाइनली मुरथल आ गए हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, एक बार गियर्स आर हेयर, फिर उसके बाद चलते हैं। यहाँ पर ना एक इंस्टा 360 लेनी है, गियर्स आर हेयर, और एक सेटअप करवाना थोड़ा सा उसका, देखते हैं भाई क्या हाल है। क्या हाल है भाई? एक नंबर भाई, इंस्टा 360 का जुगाड़ कर दो। चलो, ये जुगाड़ किया हमने इंस्टा 360 के लिए, विकास के लिए। ये देखो, हिल नहीं रहा, टाई बेल्ट वगैरह सब कुछ मार दिया। वैसे ये माउंट स्टिक के लिए बनाए जाते हैं। हाँ, ये माउंट स्टिक के लिए, स्टिक के लिए बनाए जाते हैं, ये किसी को नहीं पता होगा पर हम बता रहे हैं। आगे फोन करते भाई, अपना शांत है यार। हाँ, यू एक काम करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे भी लगा दे, के पीछे भी लगा दे, साइड में लगा दे। चलो ठीक है भाई, बाइक पे मिलते हैं दोबारा। लोग पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि एक डंडा है वो बीच बंद करने लग गया, और अभी तक घर से आते हैं हम 60 किलोमीटर आ चुके हैं, 96 रुपये 85 पैसे। बस भाई, हाँ कार्ड चल रहा है, 830 रुपये का। क्या हाल चाल? ये भाई, हम पहले एक बार विंटर स्पीति गए थे, विंटर पे नहीं कह सकते लेकिन स्पीति पे गए थे। क्या हाल भाई? वाह भाई, माँ कसम मजा आ गया तेरी, कसम कितने दिनों बाद यार। हाँ तो मेरे मान साहब से पूछा, मैं कौन पड़ जा रहे, बोला सारे स्पीति वाले जा रहे, मगर चलो फिर दो भाई यहाँ पे मिल गए, मिल गए। क्या हाल है भाई, ठीक हो? और मान साहब ठीक हो? और कितने गए पीछे है? क्या पीछे है? 120 भगा लिए सुबह सुबह ही, भूखे पेट ढाबा यही तक चाय पी लिए, कितने गए कल ही इकट्ठे हो लेंगे। लो भाई, 10:30 बजे का टाइम हुआ है और अभी तक हम 110 किलोमीटर चल चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हो, इस 8 से 9 बाइक हैं और अभी हम खाना खाने के लिए रुके, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है। ब्रेकफास्ट में ये भाई आलू के पराठे लेके आए हुए हैं। अचार भी है बीच में, टॉप्स का सारा हम पहला खाने लग गया है, मजे आ रहे हैं। लो भाई, ये ढाबा था, यहाँ पर चाय पी ली और साथ में खा लिए पराठे। अरुण भाई पराठे लेके आए थे आलू के, थे बहुत बढ़िया थे। और उसके बाद ये 7 से 8 बाइक हैं, तो अभी चलते हैं आगे अंबाड़ा, यहाँ से 90 किलोमीटर है, वहाँ पर जांगड़ा भाई वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से अब आपको मिलते हैं अंबाड़ा। बीच में आपको थोड़ा सा रोड दिखाते हैं, ये अपने सामने हाईवे चल रहा है। अभी अंबाड़ा से थोड़ी सी पहले है और यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी दूर पर लंगर टाइप से लगा हुआ है, सरदार जी ने लगा रखा, तो एक बार पूछते हैं क्या दे रहे हैं और किस चीज़ का लगा, किस चीज़ का लगा रखा भाई ये लंगर? हमारे गुरु थे जी, हाँ जी, शहीद हुए जी, उनके बेटे जी शहीद हुए थे। आज के दिन ये अब सारे दिन चलेंगे। कितने दिन चलेगा ये? 10-15 दिन रहते ही है जी, पोह का महीना कहते हैं। अच्छा, 4 पुत्र हुए थे शहीद,
अच्छा जी, ब्रेड एक ही देना भाई। धन्यवाद भाई। हाँ, क्योंकि हमने कई जगह देख रहे थे पीछे, लेकिन पता नहीं था सारी जगह नहीं है। ओके, धन्यवाद भाई। लो भाई, हम भी अम्बाड़े में हूँ और पिछला टायर ना जाम हो रहा था, लगभग लगभग 150-200 किलोमीटर से जाम हो रहा था। मैं घर से थोड़ी दूर निकला था तभी चेक किया था, जाम हो रहा था। तो मैं सोचा इसमें कुछ दिक्कत है, तो एक दो जगह पूछा, वे बोले कि इसकी ना ब्रेक पैड है ना भी घिस गए, ब्रेक शूज़। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन आज संडे था ना तो हर जगह एजेंसी बंद थी। अभी अम्बाड़ा में खुली मिली, पिछले वाले में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ी सी सेटिंग की दिक्कत थी, लेकिन अगले वाले में ख़त्म हो रुकी है। देखो थोड़ा सा भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, लोहा लोहा रह गया था। तो अभी ये चेंज करवा रहे हैं यहाँ पे। लो जी, अभी ये हीरो सर्विस सेंटर पर है अम्बाड़ा, जो कि मेन रोड से लगभग लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर है। वैसे तो हीरो की एजेंसी मात्र 1 किलोमीटर अंदर है मेन हाईवे से, जो दिल्ली अम्बाड़ा हाईवे है, लेकिन वहाँ पर एक्सपल्स को नहीं देख रहे, तो उसके लिए अंदर आना पड़ा। लेकिन हमारा काम हो गया, अब कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से जाएंगे। दिक्कत क्या हो रखी थी, जो पिछला टायर था ना वो जैसे घुमा रहे थे ना, तो जाम हो रहा था, रुक रहा था थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो मैंने 2-3 जगह दिखाया, हर जगह बोल रहे थे कि जो पिछले वाली ब्रेक पैड है ना, ब्रेक शूज है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो वो चेंज कराने पड़ेगा, इसलिए दिक्कत हो रखी है। तो मैं वो चेंज कराने आया था, उसने खोल के देखा तो बोला भाई ये तो ठीक है, वैसे थोड़ी सी अलाइनमेंट में दिक्कत कर रखी है, क्योंकि जो टायर पंचर हुआ था, टायर फटा था तो चेंज करवाया था, तो उस भाई से अच्छी तरह फिट नहीं हुआ था, थोड़ा सा उसमें दिक्कत रह गई थी। लेकिन फिर अगले वाला देखा तो अगला ख़त्म मिला, अगले में बिल्कुल भी पैड नहीं था यार, बिल्कुल भी लोहा था बस। तो बोला भाई आपका अगला नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं यार, कि थोड़ा बहुत तो हो। तो वो चेंज करवाया है, 1320 या 40 रुपये वो था, अलग से 150 रुपये लेबर चार्ज लगा है, लगभग लगभग 1420-30 रुपये लगे हैं। अभी हमारा काम हो गया, टाइम की बात करें तो 1:30 हुई है, 1:30, और वे मेरे दोस्त जो बाकी, वे मेरे से लगभग लगभग 11 किलोमीटर दूर है, और अभी तक हम 195 अप्रोक्स 200 किलोमीटर आ चुके हैं। और अभी आगे आने वाला है मिलिट्री एरिया, तो कैमरे को करते हैं बंद। जितने भी बाइक राइडर्स लद्दाख, स्पीति, हिमाचल, कश्मीर, कहाँ पे भी जाएं, ये उनका मीटअप पॉइंट होता है, जो आप सामने देख रहे हो, हरियाणा, हरियाणा गेट बोलते हैं, अम्बाला में है ये जगह, बहुत ज़्यादा फेमस है, मोस्टली बंदे यहाँ पे रुकेंगे, और ये मीटअप पॉइंट होता है, क्योंकि हर एक स्टेट से, चाहे वो हिमाचल से हो, चाहे वो जम्मू से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, या दिल्ली से हो, यहाँ पर आकर मिलते हैं। जिस तरफ भी फिर आगे उनको जाना हो वहाँ पर जाते हैं। तो हमारे राइडर्स दोस्त भी यहीं पर हैं। क्या हाल है जांगड़ा साहब? और बस बढ़िया। चले, कितनी देर हो गया है ना? पहुंच गया था 12:30 के आसपास। जय श्री राम। तो चलो भाई चलते हैं आगे, बहुत देर होगी रुकते हुए। सेवा देखो भाई कैसे कर रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ऐसी सेवा मिल जाएगी, और ये लगभग 10-15 दिन चलेगी। देखो यार, कहीं पे चाय पिला रहे हैं, कहीं पे हलवा खिला रहे हैं, कहीं पे पूरी खिला रहे हैं, कहीं पे पराठे खिला रहे हैं। बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया, सल्यूट है। ओ भाई, बाइक का ये फायदा देखो कैसे निकल रही है। खा तो खवा दे यार, भूखा ले जा, भूखा ले जाएगा। 250 किलोमीटर आगे, 250 आ गए ना, और खाना इतनी नहीं खवाया। खवा दे यार। देखिए दोस्तों कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं,
बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। जगह जगह पे खाना खिला रहे हैं, जगह जगह पे सफाई कर रहे हैं, और ये अभी जाकी टाइप से लग रही है, निकल रही है, देखो। लो जी, आनंदपुर साहिब यहाँ से 11 किलोमीटर मनाली रहता है, 237 किलोमीटर, और हम जा रहे हैं अभी मनाली वाले रूट पे। मनाली नहीं जा रहे लेकिन मनाली वाले रूट पे जा रहे हैं। और एक आपको बढ़िया चीज़ बताऊं, दिल्ली में शायद 97 रुपये है या 96 रुपये है पेट्रोल, और हिमाचल में 95 रुपये है, और पंजाब में 4 रुपये महंगा है, लगभग लगभग 98.99 के आसपास है। तो अगर आप इस तरफ आओ तो या तो दिल्ली से डलवा के आओ, या फिर यहाँ पे आने के बाद हिमाचल में डलवाना, क्योंकि 4 से 5 रुपये का डिफरेंस होगा, जो कि बहुत हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी टंकी मतलब बाइक में 10 लीटर भी तेल आ गया तो 40-50 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। ऐसा ही मतलब पंजाब महंगा है, फिर राजस्थान महंगा है, शायद MP भी महंगा है, ऐसी कुछ स्टेट हैं जो लगातार महंगी है। क्योंकि अगर आप राजस्थान से जैसे ही क्रॉस करोगे ना, गुजरात में आपको फिर बहुत सस्ता मिल जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, बस 5 से 10 किलोमीटर में आपको 50-60 रुपये का बचत हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। लो जी, टनल नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। ये 1.8 किलोमीटर की टनल है, बिलासपुर 22 किलोमीटर, मंडी 75 किलोमीटर। तो इस 75 किलोमीटर में लगभग लगभग 1.5 घंटा लगने वाला हमें। लो भाई, 6:25 हुई है और अभी तक हम सुबह से 325 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी चाय पीने के लिए रुके थे, लगभग लगभग मंडी यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर रहता है, और जिसमें गूगल महाराज 1.5 घंटा दिखा रहा है। तो अगर हम कंटिन्यू चले तो लगभग लगभग तब भी 2 घंटे मान के चलो, क्योंकि गूगल महाराज जिस हिसाब से बता रहा है उस स्पीड से हम चलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कई राइडर्स हैं, देख सकते हो आप, 9 बाइक हैं और 10 राइडर्स हैं जो घूमने के लिए आए हैं। तो अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे, मोस्टली हम जहाँ पे रुक रहे हैं चाय पीने के लिए रुक रहे हैं या खाना खाने के लिए रुक रहे हैं, अलग से कोई फोटो वीडियो के लिए इतने ज़्यादा रुके नहीं हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपनी बाइकों पे और आगे चलते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है। थोड़ी देर पहले लगभग लगभग 10 किलोमीटर पहले थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी थी, तो अभी सोचा कि जिसको तेल डलवाना हो तेल डलवा लेंगे, पीछे तेल डलवा लिया। पंजाब से 5 रुपये सस्ता भाई तेल, यहाँ पे 4 से 5 रुपये, तो यहाँ पे तेल डलवा लिया जिसने तेल डलवाना था, और अभी चाय पी के अपने पैक होके पूरे और चल रहे हैं आगे। हाँ भाई, कैसा रहा आज का दिन? यार ये बेकार आदमी है, कह रहे दिन दिन में पहुँचा देंगे, रात को रात ठंड लग रही है। किसने कहा था दिन दिन में? तब नहीं बताई, 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, 9 बजेंगे सुनने में गलत है, मैंने कहा था 4 बजे तक पहुँचा देगा, अगर लगातार चलते रहे तो। लगातार 6 बजे तो चाय पिए हैं। 6 बार नहीं भाई, 4 बार हुई है, 2 बार इसका मतलब 2 बार और पीनी है। अभी ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होगा नहीं, क्योंकि अंधेरे में इतना बढ़िया GoPro काम करेगा नहीं। डायरेक्ट आपको मंडी में मिलते हैं, क्योंकि आज का अपना स्टे मंडी में है, जो मेरे घर से लगभग लगभग 400 किलोमीटर पड़ा था। टनल नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। लो जी, 370 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली पहुँच गए हैं सुंदरनगर में। जी हाँ, अभी हम सुंदरनगर में पहुंच गए हैं, और टाइम की बात करें तो 7:30 हुई है, और अभी भी मंडी यहाँ से 24-25 किलोमीटर और रहता है, जिसमें लगभग लगभग 35-40 मिनट आराम से लग जाएंगे, 40 मिनट के आसपास। देखो, वेलकम टू सुंदरनगर, हार्ट ऑफ हिमाचल। हिमाचल का हार्ट कहा जाता है इसको, दिल कहा जाता है हिमाचल का, है भी बहुत ही खूबसूरत,
क्योंकि इससे पहले मैं जो है 3-4 बार आया हूँ तो दिन में क्रॉस किया था। बहुत सुंदर है, मार्केट भी बहुत सुंदर है, लेकिन अभी रात हो गई है और थोड़ी सी सर्दी भी ज़्यादा है क्योंकि इस टाइम पे मैं कभी नहीं आया हूँ हिमाचल की तरफ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको रौनक नहीं लग रही होगी। अभी यहाँ पे पुलिस वालों ने रुकवा लिया था, यहाँ से 100 मीटर दूर वो सामने दिख रहे चौक टाइप सा है, तो वहाँ से सीधा एक अंदर पता नहीं कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा मंडी की तरफ। तो पुलिस वालों ने रुकवा लिया था बाइक को क्योंकि उसकी फॉग लाइट जली हुई थी, सबसे आगे वो था, उसके बाद जितनी भी बाइक थी ना सभी की फॉग लाइट जली हुई थी। लेकिन उससे फिर उसने रोक लिया और किसी ने रोका नहीं, तो फिर उससे पूछा कि फॉग लाइट क्यों लगा रखी है। बोला सर जो बाइक में लाइट है ना वो कम आ रही है इसलिए लगा रखी है। बोला ये अलाउड नहीं है। बोला सर उसमें तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। बोला दिख रहा है ना, दिख रहा हो, मतलब बहस वहस कुछ नहीं हुई, बस प्यार से पूछा था और इस भाई ने प्यार से बता दिया कि ऐसे ऐसे सर इसमें लाइट नहीं है और अकेला चलता हूँ तब चलाता हूँ, अगर सामने से कोई आ रही तो उसको बंद भी कर देता हूँ। उसने एक दो बात कही तो उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन बोल रहा था कि सुनसान रास्ते पे हो और 4 लेन हो तो जलाना, अगर 2 लेन हो तो उसको बंद रखना। तो भाई हिमाचल पर, हिमाचल की बात नहीं है, कहीं पे भी जाओ, लेकिन हिमाचल में क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस बार मामले में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पुलिस वाले दिखे तो उसको बंद कर लेना, क्योंकि यार बिना उसके सच में नहीं चलेगी बाइक, क्योंकि जो आजकल ये बाइक को में लाइट आ रही ना बहुत कम आ रही, बहुत ज़्यादा कम। बाकी थोड़ा अपनी सेफ्टी ज़रूर रखना। लो जी फाइनली 390 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच चुके हैं मंडी। जी हाँ, टाइम की बात करें तो 8:15 हुई है और हम मंडी में पहुंच चुके हैं। ठंड बढ़िया वाली है, मतलब पूरे पैक हैं। सुबह मैं घर से निकला था ना 6-7 बजे के आसपास, तब भी उतनी ठंड नहीं लग रही थी, सेम कपड़े पहन रखे जो तब पहने थे, तब इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लग रही है ठंड। मतलब सहन कर सकते हैं लेकिन ठंड लग रही है यार। तो अभी यहाँ पे गुरुद्वारे में रुकने का प्लान है, यहाँ से लगभग लगभग 1/2 किलोमीटर दूर आगे है गुरुद्वारा, तो वहाँ पूछते हैं, अगर गुरुद्वारे में परमिशन मिल गई तो वहाँ रुक जाएंगे, नहीं तो फिर कोई कमरा देख लेंगे। आज का अपना प्लान फाइनल हो गया है। ये है जी गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह। चाइनीज का दूध? अरे जो भी तुमने पिया हो। क्या कहा? 30-30 रुपए के वे कप में दे दिए। नहीं दूध की, दूध की खुद से 3 बंदे ए पंकज भी जो खुरखुर कर रहा है। 30 रुपए का गिलास है और दिया कप की और चाय कितने की थी पता के? अरे ये इन्हों दिखा रहे फोन में के बताऊं, ये देख लो 30 को चाय कितने की दी थी? चाय तो 5 रुपए की सही में 5 रुपए की थी। दूध दिया था वो दूध गिर अरे काहे को दूध है चोना पानी हो अरे मैं कह रहा जीप काट रहा हूँ दूध ओ भाई चोना पानी किसके पियाते करो